हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस मोहम्मद सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.1 को किया था, आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.3 को करेंगे। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला प्रश्न दिया गया, देखो इसमें उत्तर भी निकालना है और उसके उत्तर की जाँच भी करनी है। तो पहला प्रश्न है 3x = 2x + 18। 3x = 2x + 18, ठीक है। तो अब देखो, मैंने बताया था आपको बीजीय व्यंजक जो होते हैं ABCD वाले जितने भी होंगे उनको क्या करना है, उल्टे हाथ की तरफ लाना है। तो ये 3x, ये प्लस के 2x है, देखो पक्षांतरण होगा। ये हम क्या कर रहे हैं, पक्षांतरण कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस के 2x = 18। 3 में से 2 गए, 1x बच गया बराबर 18। एक्स का मान आ गया 18। अब अपने को इसकी जांच करनी, ये तो आ गया हमारा उत्तर। अब ये उत्तर सही है कि नहीं है उसकी जांच करेंगे। तो जांच कैसे होगी, जांच के लिए ये देखो 3x = 2x + 18 है। तब हम क्या करेंगे, 3 × x का मान कितना है 18, इसको रख देंगे बराबर में, गुणा में, ठीक है। 2 × x का मान कितना है 18 + 18, तो ये हो गया 18 = 54। 18 को 2 से गुणा किया, 18 × 36 + 18, 36 और 18 भी होते हैं 54, और ये भी है 54, ठीक है। तो ये क्या हो गया, LHS = RHS, हेंस प्रूव, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी उल्टे हाथ की तरफ वाला जो पक्ष है और सीधे हाथ की तरफ वाला पक्ष है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, दोनों इक्वल है, हेंस प्रूव लिख देंगे। ये अपना एक प्रश्न पूरा हो गया। अब अपने इसका दूसरा कर लेते हैं, इससे अपने को पता चल जाएगा अपना उत्तर सही है या गलत है। फ्रेंड्स, इसका दूसरा आपको करना है, मैं और अलग करवा देता हूं आपको थोड़े प्रश्न जो डिफरेंट हो। तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपको करना है। मैं इसका छठा प्रश्न आपको करवा देता हूं। तो हम करेंगे इसका छठा प्रश्न, 8x + 4 = दिया है 3 × x - 1 + 7, ये अपने को दिया है x - 1 + 7। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये देखो 8x + 4, अब ये देखो 3 जो है वो गुणा में है, 3 इससे भी गुणा होगा और 3 इससे भी गुणा होगा। ये गुणा जो है ब्रैकेट से हो रहा है, यानी दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे, प्लस 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 ही रहेगा। 3 को x से गुणा करेंगे आएंगे 3x, प्लस माइनस माइनस, फिर 3 को x से गुणा करेंगे आएंगे 3, और ये प्लस के 7। फिर और आगे सॉल्व करेंगे इसको, 8x + 4, अब ये देखिए 3x का 3x, अब यहाँ 2 अंक हैं एक साथ, एक प्लस के 7 है और माइनस के 3 है, तो बड़ी संख्या प्लस की है, ये आपस में घटेंगे, कन्फर्म है, एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, तो घटेंगे ही घटेंगे, ठीक है। तो ये प्लस का बड़ा है तो प्लस में उत्तर आएगा, 7 में से 3 घटाएंगे 4, ठीक है ना। अब अपने क्या करेंगे, यहाँ पक्षांतरण करेंगे, इसका एक्स वाला हमें लाना होता है बाएं पक्ष में, यानी उल्टे हाथ की तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड में, और अंक को लाना होता है हमें राइट हैंड साइड में, जितने भी अंक होते हैं सबको। तो ये 8x है और ये प्लस के 3x है, इस तरफ जा रहे हैं। तो अब देखो, ये घर में है और ये मेहमान बन के आ रहे हैं, तो ये अब बाद में आएंगे। इसी प्रकार से यहाँ घर में 4 हैं और यहाँ मेहमान बन के कौन आ रहा है, ये वाला 4 आ रहा है, तो ये 4 किसके हो जाएंगे, माइनस के। 8x में से 3x गए तो कितने x बच गए, 5x, 4 में से 4 घटा दिया तो 0, x बराबर क्या आ गया, 0/5। तो x का मान क्या आ गया, 0 में 5 का भाग देंगे तो 0, ये आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर की अपने जांच कर लेते हैं, ये सही है कि नहीं है। तो जांच में क्या होगा, ऊपर जो समीकरण जैसा दिया है वैसा का वैसा लिखो, बराबर 3x - 1 + 7। अब जहां जहां x आ रहा है वहां 0 लिख दो आप, तो 8 × x का मान 0 प्लस 4, 3 × x का मान 0 माइनस 1 और प्लस 7। अब देखो 8 को 0 से गुणा करोगे 0 आएंगे, प्लस 4, ठीक है, 3, अब 0 में से 1 घटाया क्या बचा, भाई आपस में 1 प्लस का 1 माइनस का है, घटेंगे तो बड़ी संख्या जिसकी है उसी का उत्तर आएगा, तो माइनस
की संख्या बड़ी है, एक आ गया प्लस सात, तो जीरो में चार जोड़ा चार आ गए। अब तीन प्लस के और एक माइनस का गुणा हो रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस, तीन एकम तीन प्लस के सात। अब देखो प्लस की संख्या बड़ी है सात और माइनस की संख्या तीन छोटी है, आपस में घटेंगे, बड़ी संख्या प्लस की तो उत्तर प्लस में आएगा। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूफ, जिसका अर्थ होता है इति सिद्धम। यहाँ आ गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हैंस प्रूफ। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी प्रश्नावली 2.3 जिसके हमने प्रश्न क्रमांक 6 तक किए हैं। मैंने आपको दो प्रश्न करवाए हैं, बाकी आपको करने इसमें सातवें प्रश्न से लेकर के दसवें प्रश्न तक अपने कल करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।